दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों के रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन लग जाते हैं और साथ पे 8 प्लेयर भी अगर आप लोग सही लगा लेते हो ना, तो आप लोग मेगा ग्रैंड लीग के 1 करोड़ और 2 करोड़ रुपए जीत सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, इसी पॉइंट को ध्यान पे रखते हुए आज के इस मैच पे जो कि खेले जाने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग के बीच में एमसीए स्टेडियम पुणे में, इस वीडियो में आप लोगों के लिए मेगा ग्रैंड लीग की 6 डिफरेंशियल बेहतरीन रिस्की टीम बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। ओके, तो जो लोग रिस्क टेकर है ना दोस्तों, और अगर आप लोग सीधा खेलना चाहते हो 1 करोड़ और 2 करोड़ अमाउंट के लिए ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो लोग रिस्क लेगा वही इस अमाउंट को विन कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अगर आप लोग वेन्यू को देखोगे तो वेन्यू में देखो तो आप लोगों को क्या चीज दिख रहा है कि भैया विकेट्स काफी जा रहे हैं। यहां पर यहां देखो तो 8 और 10 18 विकेट निकल गए, यहां 16 विकेट निकल गए, यहां 14 विकेट निकले थे, ठीक है, यहां भी 15 विकेट निकले थे, ठीक है, और यहां 13 विकेट निकले थे। तो विकेट्स काफी जाते हैं एमसीए स्टेडियम पे, एक बात तो क्लियर है। और रन क्या है, कम ही बन रहे हैं, ऑन एन एवरेज कम रन बन रहे हैं, इसी बात को ध्यान में रखना है और मेगा ग्रैंड लीग के लिए टीम बनाना है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से आप लोगों के लिए केन विलियमसन, अभिषेक शर्मा, उसके बाद आप लोगों के राहुल त्रिपाठी, एडेल माक्रम, निकोलस पूरन, वॉशिंगटन सुंदर, शशांक सिंह, मार्को जेंसन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और उमरान मलिक खेलते हुए दिखेंगे। कौन से प्लेयर को किस कॉम्बिनेशन पे कैसे लेना है सब आगे बताऊंगा आगे वीडियो पे। अगर आप लोग देखोगे चेन्नई सुपर किंग की प्लेइंग लाइनअप को, तो यहां पर एक बात बता दूं, आप सभी लोगों को शायद पता भी होगा कि रविंद्र जडेजा ने कैप्टनशिप छोड़ दी है और दोबारा से कैप्टनशिप किसके पास है, महेंद्र सिंह धोनी के पास है। ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उत्तपा स्टार्टिंग करेंगे, फिर आप लोगों को एम सेंटर जो कि ऑलराउंडर वाले सेक्शन से है वहां से खेलते हुए दिखेंगे। शुभम दुबे और अंबती रायडू, इन्हें हमेशा से घुमा दिया जाता है, कभी कोई आगे आता है कभी कोई आगे आता है, ठीक है। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन प्रिटोरिस, डी ब्रावो, महेश तिक्सना और मुकेश चौधरी खेलते हुए दिखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है जहां पर कि आप लोगों को मेरी फाइनल टीम मिलेगी, साथ ही साथ इन टीम्स पे जो 6 टीम्स यहां पर डिस्कस कर रहा हूं उन टीम्स पे कुछ भी चेंजेस आते हैं वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे कन्वे कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सभी लोगों का रहना मस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोग कम कंपटीशन में खेलना चाहते हो और आप लोग सीरियसली 1 करोड़ रुपए विन करना चाहते हो, तो जो बेस्ट ऐप है आप लोगों के लिए वो है आप लोगों के लिए माई 11 सर्कल। और आप सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफर क्या है मालूम है, अगर आप लोग नीचे दिए गए लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करते हो ना, तो आप लोगों को फर्स्ट गेम है जो आप लोगों का वो मिलेगा कंप्लीटली फ्री, मतलब आप लोग बिना पैसा लगाए 1 करोड़ रुपए विन कर सकते हो। तो तुरंत जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पर लिंक है, ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लेना और टीम पक्का से डालना। बाकी एक्सपर्ट के टीम को बीट करते हो तो आप लोगों का पैसा सीधा 5 गुना हो जाता है। बाकी नीचे दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करोगे तो 1500 रुपए का बोनस मिलेगा। ये बोनस भी यूटिलाइज होता है, ठीक है, ये बोनस भी आगे आगे कैश की तरह ही आप लोगों के लिए काम करेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग क्रिक 20 कोड को यूज करोगे तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट पे 20% रियल कैश मिलता है। कैश डालोगे ना 10,000 डालोगे, क्रिक 20 कोड यूज कर लेना, सीधा 12,000 आ जाएंगे वॉलेट पे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को देखने के बाद तुरंत से जाके ऐप को पक्का से डाउनलोड कर लेना। ओके, अब आ जाओ दोस्तों 6 टीम्स पे जो कि आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीग विन करा सकती है। यहां देखो, उसके बाद मैं आप लोगों से कैप्टन वाइस कैप्टन पे डिस्कस करूंगा। निकोलस पूरन और एमएस धोनी आप लोगों को दिखते हैं कहां पर, विकेट कीपर वाले सेक्शन पे। तो मोस्टली मैंने टीम पर निकोलस पूरन को लिया है, बट निकोलस पूरन भी कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, आप सभी को पता है, लास्ट मैच में और उससे प्रीवियस मैच में 2 बार 34 या 35 रन की पारी खेली है, बट ऑन एन एवरेज ये भी उतने अच्छे फॉर्म पर नहीं है। बट एक बात है कि निकोलस पूरन के पास अपॉर्चुनिटी रहती है बैटिंग करने की, एमएस धोनी को एज अ गेम फिनिशर की तरह ही प्ले करना पड़ता है, बट स्टिल एमएस धोनी को भी ट्राई करेंगे कुछ कॉम्बिनेशन पे जहां पर हम लोग निकोलस पूरन को ट्राई नहीं करेंगे, क्लियर। ओके, यहां पर देखो तो मैंने रॉबिन उत्तपा और अंबती रायडू को लिया है, ठीक है, और यहां पर मेरे पास है केन विलियमसन,
क्लियर। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप है। ओके यहां पर देखोगे तो मेरे पास ऋतुराज गायकवाड़ और शुभम दुबे है, यहां पर अंबती रायडू और रॉबिन उत्तपा दोनों ड्रॉप है, और यहां पर आप लोगों के पास राहुल त्रिपाठी होंगे। ठीक है, एकदम इसका अपोजिट कॉम्बिनेशन है, समझ रहे हो। एक कॉम्बिनेशन ये है तो इसका ठीक अपोजिट कॉम्बिनेशन यहां पर लगा रखा है मैंने। यहां पर देखोगे तो रॉबिन उत्तपा और अंबती रायडू है, और साथ में आप लोगों के राहुल त्रिपाठी खेलते हुए दिखेंगे। मतलब सेम ये दो कॉम्बिनेशन पे, बट उस टीम पर क्या किया, केन विलियमसन की जगह मैंने किसे रख दिया वहां पे, राहुल त्रिपाठी को रख दिया है। क्लियर, ओके। और इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखोगे तो राहुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, ठीक है। और यहां पर आप लोगों को ये दो पोजीशंस पे डिफरेंस दिखेंगे, ठीक है। तो सिस्टमाइज करके प्लेयर्स को रखा गया है छह टीम पर, ठीक है। आप लोगों ने छह के छह टीम लगाने हैं, ऐसा नहीं करना है कि तीन टीम लगा दिया, दो टीम लगा दिया, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन बने हैं ना वो छह कॉम्बिनेशन के हिसाब से बने हुए हैं। ओके, यहां पर देखोगे तो आप लोगों के पास माकरम और एम सेंटनर है। अब देखो अगर केन विलियमसन अच्छा खेल जाते हैं बट अभिषेक शर्मा अच्छा नहीं खेलते हैं तो उसके बाद माकरम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और यहां पर अगर आप लोगों के पास ये समझो कि ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है तो एम सेंटनर फर्स्ट डाउन पोजीशन पे आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसी हिसाब से सारे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं दोस्तों। अगर बताने जाऊंगा ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, एक एक टीम के ऊपर थोरली आप लोगों से डिस्कस करना होगा, बट मैं फिलहाल फटाफट बता देता हूं क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, ठीक है। यहां पर रविंद्र जडेजा है, ए माकरम है और एम सेंटनर है। यहां पर आप लोगों के पास रविंद्र जडेजा के साथ ए माकरम है, क्लियर। बॉलिंग वाले सेक्शन को देखोगे तो आप लोगों के पास ग्वेन ब्रावो, महेश सतना और आप लोगों के पास मुकेश चौधरी है, और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक है, क्लियर। तो ये दो बॉलर है, बट यहाँ पर मैंने फोकस किसे किया है कि भैया सीएसके की टीम अच्छी करने वाली है, इसलिए सिर्फ केन विलियमसन को ही रखा है बैटिंग वाले सेक्शन से। यहां पर देखोगे तो आप लोगों के पास टी नटराजन और उमरान मलिक है, और एम सेंटना, मुकेश चौधरी और ग्वेन ब्रावो है। ओके, यहां पर देखोगे तो ड्वेन ब्रावो के साथ महेश तिसकना है, मुकेश चौधरी है, उमरान मलिक के साथ अब यहां पे टी नटराजन है। सेम कॉम्बिनेशन पे उमरान मलिक के साथ यहां पे भुवनेश्वर कुमार था, बट यहां पर उमरान मलिक के साथ टी नटराजन को अपॉर्चुनिटी दी गई है। ओके, टीम वन, टीम टू, टीम थ्री, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब आ जाओ दोस्तों नेक्स्ट टीम फोर, फाइव एंड सिक्स पे। टीम फोर, फाइव और सिक्स को अगर आप लोग देखोगे तो उसी कंटिन्यूएशन पे टीम बनी हुई है। यहां पर निकोलस पूरन है, यहां पर मैंने एमएस धोनी को अपॉर्चुनिटी दिया है, ठीक है। जैसे ही मैंने महेंद्र सिंह धोनी को अपॉर्चुनिटी दिया है ना, तो मैंने यहां पर देखो आप लोगों के दो प्लेयर रखे हैं, केन विलियमसन और राहुल त्रिपाठी को, वरना मैं निकोलस पूरन के साथ जा रहा हूं तो मैंने राहुल त्रिपाठी को अपॉर्चुनिटी दिया है। यहां पर मैंने अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन दोनों को ड्रॉप कर दिया है। यहां पर मेरे पास शुभम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ है, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ है, यहां पर ऋतु रॉबिन उत्तपा के साथ अंबती रायडू और राहुल त्रिपाठी और निकोलस पूरन है, क्लियर। अब आ जाओ दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे। ऑलराउंडर वाले सेक्शन पे ए माकरम, एम सेटना और वॉशिंगटन सुंदर है, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर, यू मलिक, टी नटराजन और को मिला के ये ट्रायो कॉम्बिनेशन आप लोगों को विकेट निकाल कर देगी। यहां पर मैंने ज्यादा फोकस करा इन्हें, क्यों, क्योंकि आप लोग देखोगे मेरे पास सिर्फ एक ही प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग का, ऋतुराज गायकवाड़। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, सारे छह टीम से आप लोग देखोगे जेंसन, भुवनेश्वर कुमार, यू मलिक, एम जेंसन और वॉशिंगटन सुंदर, मतलब बॉलर्स ज्यादा मैंने फोकस कर लिया उस टीम पर, ठीक है। यहां पर ड्वेन ब्रावो और महेश तिसकना है, एम सेंटनर है। यहां पूरे ऑलराउंडर वाले सेक्शन को ही मैंने कंप्लीटली उठा दिया, क्यों, क्योंकि विकेट ज्यादा जा रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो ना, विकेट ज्यादा निकल रहे हैं, तो ऑलराउंडर वाला सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन भी बनकर आ सकता है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी बॉलिंग वाले सेक्शन से आप लोगों को टी नटराजन, एम जेंसन और ड्वेन ब्रावो दिखते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। उमरान मलिक को ड्रॉप किया है बिकॉज सिलेक्शन परसेंटेज हाई हो रहा है, शुरू में विकेट्स नहीं मिले थे उमरान मलिक को, तो ये मत सोच के चलना कि उमरान मलिक को तो विकेट मिलेगा ही मिलेगा। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग एज अ कैप्टन भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। कैप्टन हम लोगों ने उसे उस टाइम पे लिया था जब कोई नहीं लेता था। अब उन प्लेयर्स को ढूंढ के निकालना है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर बन सकते हैं। चलिए आ जाओ वीडियो पे। अच्छा एक बात आप लोग ट्राई करना, देखो ये छह डिफरेंशियल टीम थी, ठीक है ना। आप लोग क्या करना, छह से जो मल्टीपल टीम बनाते हैं ना वो लोग अभिषेक शर्मा को भी ट्राई करेंगे, ठीक है। आप लोग अभिषेक शर्मा को भी ट्राई करोगे, जो लोग ज्यादा मल्टीपल डिफरेंशियल टीम बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना, पहले ही यहां बोल दे रहा हूं। अब आ जाओ कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर। देखो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अगर आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर ढूंढ रहे हो बैटिंग वाले सेक्शन से, तो बैटिंग वाले सेक्शन से ना इनमें से एक ही प्लेयर आप लोगों के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बन सकता है, वो है केन विलियमसन।
अगर बैटिंग वाले सेक्शन से किसी को ढूंढ रहे हो, बॉलिंग वाले सेक्शन से अगर आप लोग किसी को कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर ढूंढ रहे हो आज के इस मैच पे, तो आप लोगों के लिए एक तो हो सकता है भुवनेश्वर कुमार सीवीसी का कंटेंडर, ठीक है, दूसरा सीवीसी का कंटेंडर आप लोगों के लिए टी नटराजन हो सकता है सीवीसी का कंटेंडर, बट ये दोनों जो सीवीसी के कंटेंडर होंगे ना बॉलिंग वाले सेक्शन के दोस्तों, इन्हें आप लोगों ने तभी यूज करना है किस कंडीशन पे, अगर आप लोगों की एसआरएच की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आए, इस बात को ध्यान रखना, अगर फर्स्ट इनिंग्स पे बॉलिंग करने आती है तो भुवनेश्वर कुमार और टी नटराजन को मेगा ग्रैंड लीग पे कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर दे सकते हो, और बैटिंग वाले सेक्शन से केन विलियमसन, छह कॉम्बिनेशन पे अभिषेक शर्मा आप लोगों को नहीं दिखे होंगे, तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मल्टीपल आगे और कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो अभिषेक शर्मा को भी वहां पर इंक्लूड करके चलेंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, ईएसके की टीम से अगर आप लोगों को कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर चाहिए तो आज के इस मैच के लिए देखो मैं आप लोगों को ऑप्शन बता देता हूं, एक दो आप लोगों के लिए अगर बैटिंग वाले सेक्शन से आप लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन का कंटेंडर देख रहे हो तो एक आप लोग ट्राई कर सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ को सीवीसी के लिए, ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, यहां से ऊपर से नहीं मिलेगा, बॉलिंग वाले सेक्शन से आप लोग ट्राई कर सकते हो सीवीसी के लिए, ड्वेन ब्रावो को ट्राई किया जा सकता है सीवीसी के लिए, ठीक है, और अगर आप लोग डाउन द लाइन जाओगे तो रविंद्र जडेजा को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो सीवीसी के लिए, ठीक है, तो ये प्लेयर आप लोगों के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के कंटेंडर बन सकते हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो। रविंद्र जडेजा स्पेशली याद रखना, अगर सीएसके की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने आती है ना तो उस केस में आप लोग रविंद्र जडेजा को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर जा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग पे, कैप्टनशिप छोड़ दी है, जो प्रेशर था वो प्रेशर रिलीज हो गया है, होपफुली आज के मैच में आप लोगों को दो तीन विकेट लेता हुआ दिखे और साथ ही साथ तूफानी बैटिंग जो करता है ना वो भी करता हुआ दिख जाए, क्लियर, ओके दोस्तों, तो यही था आज के इस वीडियो में, होपफुली आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इंपॉर्टेंट बात, माई इलेवन सर्कल ऐप, जिस ऐप के बारे में मैंने बताया था नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे लिंक है, तुरंत जाओ और ऐप को डाउनलोड कर लो, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों को इस मैच के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर